यूनिवर्सल लोन ना हो गया। अगर हम किडनैप कर गए और फिर पैसे मांगे फिर आप क्या करेंगे? एंड आज हम लोग अपना घर भी शिफ्ट कर रहे हैं गाइस, हम लोग नए घर में जा रहे हैं। दरवाजे में वो मैंने आपके लिए नहीं बोला था, लोगों के लिए बोला था। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। स्वागत है आपका 2023 के पहले व्लॉग में एंड विशिंग यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर गाइस। गाइस नए साल में आकर के बहुत अच्छा सा लग रहा है, ज्यादा कुछ तो चेंज नहीं हुआ, केवल डेट चेंज हो गई। तो अब ध्यान रखना कि 2023 के जगह 2022 ना लेके आप, बट होप ये साल सब लोगों का अच्छा जाए, जिसके जो ड्रीम्स है सब लोग फुलफिल करें गाइस। एंड चेक दिस आउट, आज हमारा आखिरी दिन में नाश्ता बन रहा है गाइस। कल क्यों बनेगा, मैं जा रहा हूँ घूमने, मेरी डेट है किसी के साथ। उस डेट की मैं डेट बना दूंगी, यूं बताऊंगा नहीं किसके साथ जा रहा हूँ। खुद क्या करोगे, अपना क्या करोगे? बैग लेके निकल जाऊंगा, सामान तो बैग हो ही रखा है। मिलेगा तो तब ना, बैग नहीं मिल रहा। फिलहाल गाइस हैप्पी न्यू ईयर लिख रहा, हैप्पी न्यू ईयर लिख रहा। मुझे जुकाम है। एंड गाइस चेक दिस आउट, हमारे इतने लंबे लंबे बड़े बड़े पराठे बन रहे हैं। आखिरी बारी सर, आखिरी बारी नहीं, कल आखिरी सेकंड लास्ट बारी होंगे और इंशाल्लाह हमेशा बनेंगे। के लिए तो गाइस इंडिया आना पड़ेगा और इमरान खान जी वीजा पासपोर्ट देंगे नहीं गाइस। होप लगाई थी, भूल गए क्या? क्या वही मैंने बोला, अच्छा अच्छा कभी तो होगा ना गाइस, ये इंडिया आ सकती है वैसे, यू नो इसका ये ना वो है ब्लैक बेल्ट है। ये ना ब्लैक बेल्ट है गाइस, कुंफू करके दिखाती है भयंकर सा। वो जिच्चु वाले मोड में जाके दिखा। अरे मैं जोडो की ब्लैक बेल्ट हूं। जोडो क्या होता है? जिमनास्टिक की। क्या वो तुम ऐसे करके कूद करके वो उस पे चढ़ जाती हो? आप चाहें प्लीज काम करें कुछ, थोड़ा बहुत नाश्ता लाती हूं। आखिरी बारी अनु, आखिरी बारी और मेरी मत करो, गरम गरम मुंह पे लगा दूंगी। अरे एंड पता है लोग क्या कमेंट कर रहे हैं? लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि वी वॉन्ट टू सी इकरा क्राइंग जब आप डोर से बाहर जाओगे गाइस। वैसे ही ना आजकल बहुत ज्यादा रो रही है क्योंकि इसका बंदा ना बहुत बिजी हो रखा है आजकल, तो फिर बंदा। तो यार फिलहाल सीन्स ये गाइस कि आज का व्लॉग जस्ट अभी एडिट करें, अपलोड करें, एंड आजकल ना बिल्कुल भी नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही है बिकॉज रोज सुबह ना हम लोग 8 बजे सो रहे हैं दुबई के टाइमिंग से, 11 बजे उठ रहे हैं। रोज ना केवल 3 घंटे की नींद कंप्लीट हो रही है गाइस। एंड आज हम लोग अपना घर भी शिफ्ट कर रहे हैं गाइस, हम लोग नए घर में जा रहे हैं, वाले घर की लोकेशन नहीं बताऊंगा मैं किसी को। फिलहाल गाइस ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 24, तो व्लॉग पब्लिक करते हैं गाइस आज वाला अपना। मैक की बैटरी ना ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है, बट व्लॉग पब्लिक करते हैं, फिर नाश्ता खाते हैं गाइस आखिरी बारी। कल नहीं खाना, कल भूखे जाओगे। कल मैं जिस दिन डेट है वो मेरे को खिलाएगी ना। ओके श्योर, व्हाई नॉट, आज भी उसी से खा लेना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दिन का खाना। डिनर तो मुझे 3-4 दिन से कराई थी और डेली लंच उसको करा दिया। कैंडल लाइट डिनर। तो गाइस चेक दिस आउट, हमारा ना एक शूट था जिसमें हमें थोड़ा खून की जरूरत थी, एंड ये चेक करो हम लोगों ने ब्लड बना दिया, एक्चुअली ना फूड कलर है। एंड हम लोग इसे चेक करने के लिए ना अलीजे वाले और हया वाले रूम में जाने वाले हैं, और इकरा बोलना वहाँ पर कि मेरा ना उंगली कट गई, बोलना वो नहीं है क्या फर्स्ट एड नहीं है क्या? जाओ तुम आगे जाना, तुम बोला। बैंडेज पड़ी है यार, वो उनसे लो ना। क्या हुआ है, क्या किया ये? ने दरवाजे में पीस दिया आज। इधर क्या की थी उसने? तुम्हारा इधर आओ भी। अलीजा वैसे आवाज काट रही है इससे तो कुछ तो आपके कैंडल से दूर कोई हाल नहीं है। लग रहा है ना सही से, असली लग रहा है ना, मेरी सारी जान तालों में से निकल गई है। आंसू आ गए गाइस, इसके आंसू आ गए, मेरी बहन के आंसू आ गए, शुरू हो सोच रही हूं सही है, मैंने कभी चुटकी मार दी है आप लोगों ने। और यहां यूं लगा लिया भयंकर, तब तो लेट जा बंदा तो खाता भी हो गया बंदा तो।
तो गाइस हम लोगों ने ना खून तैयार कर दिया एंड चेक दिस आउट, ये तो जा भी नहीं रहा है, तो अभी हम लोग शूट करने वाले एकदम मस्त। एंड आज फाइनली शूट हो ही जाएगा, हम लोग ना एक्स्ट्रा भी शूट कर रहे हैं बिकॉज ये इंडिया में अवेलेबल नहीं होंगे मेरे साथ, सो फिर आज आखिरी दिन है तो मैंने कहा आज सारा काम निपटा लेते हैं। एंड एट द सेम टाइम गाइस हम लोग ना घर भी शिफ्ट कर रहे हैं, चेक दिस आउट, हमारा पूरा रूम शिफ्ट हो रहा है और उस घर की लोकेशन मेरे को नहीं पता, ना ही मेरे को बता रही हूँ, और मैं शिफ्ट भी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे यहाँ फैंस नीचे आकर बाबू भैया इकरा दीदी। गाइस प्लीज जो भी दुबई से है ये वैसे भी सोशलाइज नहीं होती, तो ना फोटो के लिए पूछना ना ब्लॉग के लिए पूछना, वो मेरे ब्लॉग में आती है, दैट्स इट, वो बात भी नहीं करती किसी और से। सही, यहीं से नीचे से ले जाओ, कोई दिक्कत कहाँ आ रही है, चलो आज शूट करते हैं। जूली जूली, हेलो जूलू जूलू जूलू, हाँ नाम चिरंजीव, ठीक है ठीक है, कैमरा स्विच कर लो पापा, बैक से क्यों बात कर रहे हो, कैमरा स्विच करो फ्रंट में। माँ प्रणाम भाई, अपना व्हाट्सएप, अच्छा अपना व्हाट्सएप चेक करो, जरा व्हाट्सएप चेक करो पहले अपना, चलाना कितनी कॉल है डेली की, मन्नू को कॉल करी मैंने, कहा भाई, मैंने कहा भाई घर वालों से बात करा दे, बोलते हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ, तीन दिन मैंने उसे कॉल करी है, तीन दिन, ठीक है सॉफ्टवेयर, अरे फुल पावर एकदम मस्त, अरे शक्ल नहीं दिख रही मम्मी आपकी, हैप्पी न्यू ईयर मम्मी, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है सब फुल पावर एकदम, कब आ रहा? कल शाम को पहुंचूंगा, मतलब परसों पहुंचूंगा, ठीक है आराम से आना, ठीक है, क्या लेके आना आपके लिए, क्या गाड़ी, गाड़ी नहीं लेके आ रहे हैं, एक एक स्पेशल चीज लेकर के आ रहे हैं, खुश हो जाओगे आप, हाँ चलो ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, मैं कुछ, अरे इकरा से बात कर लो, इकरा से, इकरा को बात करनी थी आपसे। हेलो आंटी, हेलो कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर मना लिया आपने? सॉरी किधर किधर मनाया? बाहर नहीं गए आप? हम तो, हम बाहर गए थे सब, तो आप भी जाए ना, आप यहाँ पे आओ ना, यहाँ से लेके जाएंगे आप, अगले साल आना ठीक है, अगले साल न्यू ईयर में पापा पापा, अरे अरे मेरे पापा बहुत कूल है, इधर आओ जल्दी, रुक जाओ पापा शर्मा रही है, इधर आओ जल्दी जल्दी आओ, पापा बोल रहे अबे मेरे पापा ना, मेरे मेरे दोस्त ना मेरे पापा से ज्यादा क्लोज हैं, इधर देखो, नमस्ते कैसे हो, दिस इज मी, दिस इज अनदर शेख फ्रॉम इंडिया, मेरा कैमरा मुझे देख के नहीं डर रहा, मैं आपको देख के डर रही हूँ, डरने वाली कौन सी बात है, ऐसे ही वो रिस्पेक्ट होती है ना, ऐसे वो वाली रिस्पेक्ट में डर नहीं होता ना, होता है, नहीं डर तो सामने सामने होता है, अगर बीच की दूरी 3000 किलोमीटर हो तो रिस्पेक्ट बनती है, चलो ठीक हो, उस दिन तो बोले थे पापा से बात करनी है, तो अब क्या हो गया, ये पापा छोटी, ये इसकी बड़ी बहन है, कैसे, हाँ जी आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, जब सामने हूँ तो ठीक हूँ, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बधाई आपको, आपको भी, लोगों को नए साल की बधाई, आपको भी, आपको भी, चलो चलो मुझे की तरह से ही बात करनी है ये लग रहा, जल्दी बात कर लो भाई, आई क्यू आर ए धन्यवाद बोलने से ना उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है, थैंक यू बोलने से उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है, तुम्हारा डायलॉग रिपीट करे पापा जो ब्लॉग में बोलती हो तुम, समझ रही हो, मेरे घर वाले बहुत पॉपुलर देखते हैं, तो धन्यवाद आपका, आपने भेज दिया हम पे भरोसा करके, अपना लौंडा भेज दिया अगर हम किडनैप कर ले फिर, अब तो ये यूनिवर्सल लौंडा हो गया, अगर हम किडनैप कर गए और फिर पैसे मांगे फिर आप क्या करेंगे, मेरे पापा बहुत कूल है, नमस्ते अंकल, खुश रहो खुश रहो, ओ दूधो ना पूतो फलो भी बोलो ना नहीं ऐसे बोले ना, खूब भालो
अबे वो बैंक मेरे फूदफलो चुप करो चुप ना बंगाली है क्या हम लोग नहीं नहीं तुम्हारी आंटी बाहर से बोल रही है कि खूब पढ़े लिखो और बड़े बनो मैं तो पढ़ती नहीं हूँ पापा इनका रेंटल का बिजनेस है इसकी मम्मी ना पटवारी है भयंकर 15-20 लाख रुपए रेंट आ रहा है इनका महीने का 15-20 लाख रुपए तीन दिन वो एक्स्ट्रा क्लास में क्लास में कहां रही थी वो अनु भी गया था 3 दिन क्लास 6 दिन मैं तो रात को गया ना तुम तो क्लास जा रही हो रात को 8 बजे से सुबह तक और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो तुम्हारी आंटी बाहर से बोल रही है वो हमारा ध्यान रखते हैं हम तो नहीं रखते उनका चलो ठीक है चलो ठीक है पापा ओके okay, मिलता हूँ मैं कल आता हूँ फिर से बोले ना वो क्या, क्या? वो आशीर्वाद दे ना आशीर्वाद देखो मैं तो कॉलेज में टीचर हूँ ना तो मैं तो अपने सारे बच्चों को एक ही शब्द बोलता हूँ खूब बड़े हो जाओ खूब बड़े हो जाओ नहीं से बड़े हो जाओ नहीं पहले मैं बोलूंगी पाई लागू फिर आप मुझे वो देना क्या आशीर्वाद ओके अच्छा ठीक है ओके पाई लागू मिल गई वो वाली दुआ चलो ठीक है पापा ठीक है कैसा लगा पापा से बात करके थी। कूल है ना मेरे पापा भाई मेरे पापा इतने कूल है ना मेरे सारे दोस्त ना उनसे ज्यादा क्लोज है रादर देन और ऐसे शर्मा रही थी पता शर्मा क्यों रही थी बढ़िया ना यार आप नहीं समझोगे कुछ कुछ चलो तैयार जाना नहीं जाना पहले काम नहीं करना हम लोग हो चुके हैं रेडी एंड मैं आपको बता देता हूँ आज ना हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं अपने नए घर में एंड चेक दिस आउट सारा सामान पूरा बिखरा पड़ा इधर एंड बेडशीट तकिए सब बन चुके हैं तो इन लोगों ने अपना सारा सामान भर दिया इसमें हेयर भी अब बजाज बन चेक दिस करो गाइस पूरा सामान पेटिया पुटिया में भर दिए एक मार्केट लगा ले चांदा बाहर 150 यार अभी बजाज भाई ने गाड़ी मंगा दिया तो उस पे हम लोग सामान रखना शुरू करेंगे यहाँ से बाहर लिफ्ट में डालते हैं सामान और इसके झाड़ी लूंगा मैं है ना पता है ना UK 07 4 million वाला बंदा तुम्हारा सामान उठाएगा सही है कम से कम 10 तो 4,000 दिरहम तो कम से कम लगेगा पर बैग तो आप डिसाइड कर लो वैसे भी गाइस जिनका रेंट 15-20 लाख आ रहे हो ना क्या ही फर्क एंड गाइस बिखरा कर रही है मेरे कपड़ों पे प्रेस इंडिया जाके कौन करेगा मम्मी भव्या नहीं करती काम आपने बोला तो काम नहीं करती गाइस रात को से भूख भी लगती है ना तो मेरे को ही खाना बना के देना पड़ता है और ये और इसकी दो बहने भयंकर कभी भी खाने के लिए बोल दो मिल जाती है बस कल ही नहीं मिला था गाइस 8 घंटे तक भूखा रहा था मैं 8 घंटे शॉट था मतलब 3 बजे तुम लोगों ने नाश्ता करा था तो गाइस फाइनली वी आर रेडी टू गो एंड हम लोग सारा सामान बाहर लेकर के जा चुके हैं मैंने इससे पहले शूट नहीं करा बिकॉज हाथ में दोनों बैग्स थे अभी जा करके फ्री में बट हम लोगों ने ना ऑलमोस्ट सारा सामान निकाल दिया बाहर हाँ कोई नहीं एक करा के साड़ी गिरा दो तुम तो एक बैग दो ना सारा कैसे लेके जाएगी मैं ले जाऊंगी ओके गाइस चेक दिस आउट ये हमारा पहला स्टॉप है और दूसरा स्टॉप हमारा लिफ्ट के पास है तो हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं आधे लोग यहाँ लिफ्ट तक लेकर के आ रहे हैं फिर आधे लोग लिफ्ट से नीचे लेकर के जा रहे हैं दैट्स हाउ द टीम इज वर्किंग So guys, finally the queen is here. Check this out. इतना काम करा ना मैंने आज थैंक यू आज तो मैं डबल खाना खाऊंगा गाइस रात को धन्यवाद फिलहाल गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वही मेट्रो वाले स्टेशन पे तुम्हारे पास दिरहम पड़े ना एक दो दिरहम पड़े ना वो गुड्डे निकालेंगे ठीक है मैंने कल रात इतना ट्राई करा था ना गाइस भाई मैंने 10 दिरहम निकाले एक भी नहीं निकला गाइस बोल रही है मैंने 4 दिरहम में 4 गुड्डे निकाल दिए तो आज 4 बार ये ट्राई करेगी 4 बार मैं ट्राई करूंगा देखते हैं किसके कितने निकलेंगे ठीक है ओ मून वैली से सिक्के ले आते हैं ना फिर पड़े अभी नहीं मून वैली से पर ले लेते हैं मून वैली से लेके आते हैं ना मून वैली पहले मुझे दे देते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं इसका सिम खुलवाने के लिए एक्चुअली इसकी सिम की आउटगोइंग ऑफ हो गई थी सो वी हैव टू अनलॉक दैट खत्म हो गया पैकेज का एंड हो जाता 27 को फिर 3 दिन मुझे पता नहीं गाइस तो जितना मुझे बताती है मैं उतना ही बताता हूं बाकी मेरे को ज्यादा कुछ बताती नहीं है अनु हर वक्त मेरी इंसल्ट मत किया करो यार इंसल्ट थोड़ी ना होती है तो छेड़ना होता है हम मैं उस छेड़ने को इंसल्ट किसको पड़ोसी को छेड़ू क्या फिर इधर उस दिन हमने मीटअप किया ये देखो ये जगह कितनी खाली रहती गाइस हम लोगों ने पूरा मीटअप कर रखा था तो अब वो भैया का टोरा दुबई में भी है यार फिलहाल गाइस नए घर की लोकेशन बता दूंगा रोज आके घंटी खटखटाना एक करा के डोर पे कि बाबू भैया से मिला दो कोई खटकाएगा इस बार तो दरवाजे नहीं खोलूंगी गाइस इकरा को आपको पता है ये तातिया बिच्छू कितने पैसे दे सो वी आर गेटिंग 1 फॉर आवर कौन सा वाला ये वाला तो वो चेक कर रही होगा कितने कितने पंजे हैं कितने हुए ये वाला लेट्स गो नहीं
नहीं ना रुको, मैं दोनों देखूंगी उठा के। ऐसे कौन चेक करता है? गर्दन का कोई मसला है? उसकी गर्दन खराब है अनु। देख रहे हो तुम, बाबू भैया के फैन स्टोर वाले भी हैं, समझ रहे हो? 5.5 million वाला बंदा तुम्हारा सामान उठा के आ रहा था, समझ रहे हो? अच्छा जाओ वहाँ पे पिक्चर बनाओ। तो गाइस चेक दिस आउट, इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम रखेंगे बलू, ठीक है? नहीं मार रहा हूँ भाई, इसका नाम रखते हैं गाइस बलू। एंड गाइस इसे कान से उठा के देखेंगे, प्योर ब्रीड है कि नहीं है। देखो आवाज नहीं करता, इसका मतलब है प्योर ब्रीड। नहीं मार। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने रूम पर, और मेरा बेटा बाहुबली अनु। गाइस यहां से ना ऊपर फेंक रहे थे, फिक गए नहीं, वो आधे में लटक गया यार, शिट। एक बार दे दो फिर से। नहीं आप तो ना गाइस मुक्के मारे इसके। सो गाइस फाइनली हम लोग ये रूम चेक आउट कर रहे हैं, एंड इस घर में हमारी बहुत सारी यादें थी। दिस वाज द प्लेस वेयर आई मेट इकरा, अली एंड एवरीवन। सो बहुत खुशी लगा था सब लोगों से मिल करके। कैसा लग रहा है रूम छोड़ते जाते वक्त? बहुत बुरा लग रहा है, मैं यार पिछले कितने महीनों से आ रही हूं। हम लोग यही मिले थे, याद है ना? अब तो हमारी बगल वाली दीदी ना वो आराम से सो सकती है, बिकॉज़ रात को हम लोग इतना हल्ला मचाते थे ना। नए वाले फ्लैट में भी है क्या ऐसा हल्ला वाला सीन? हल्ला वहां पे हल्ला मचा सकते हैं कसम से, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं ना। गाइस मीटअप रखेंगे फिर हम लोग इसके घर में एक। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके अपने नए फ्लैट में, सारा सामान शिफ्ट कर चुके हम लोग। बहुत टायरिंग था भाई, अब हम लोग आखिरी सामान ले जा रहे गाइस। बट जिस वाले फ्लैट पे भी हम लोग आए ना गाइस, उसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है, लिफ्ट में भी और बाहर भी, तो शूट अच्छे से होगा। सो गाइस फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रूम में। चेक दिस आउट, इतना सारा सामान हमारा बिखरा पड़ा है, और ये वाला जो रूम है ना ये फार बेटर है गाइस जिस रूम में हम लोग स्टे कर रहे थे। बट ये मेरा आज आखिरी दिन है गाइस, कल से इकरा यहाँ पर अकेली रहने वाली है। ये दोनों भी तुम दोनों कब जा रहे हो? कल से नहीं रहने वाली है, अभी है 20-25 दिन ये लोग साथ ही रहेंगे। अभी फिलहाल गाइस पूरे रूम में ना सामान एडजस्टिंग चल रही है। और गाइस ये रास्ते में किसने रखा हुआ सामान? इसको उधर रखो। पहले बोलो अनु आप बहुत अच्छे हो। बोलो अनु आप बहुत अच्छे हो। थोड़े से अच्छे। बोलो अनु आप बहुत अच्छे हो। अनु बहुत अच्छे। और मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। मैं बहुत बुरी इंसान।